पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित चैली टाल इलाके में आज अपराधियों ने चाय दुकानदार गोलू उर्फ पतीला को गोली मार दी। इस दौरान घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। गोली लगने के बाद स्थानीय लोग और परिजन उसे लेकर NMCH अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती कराया गया। गोली पेट में लगी है, फिलहाल अब वह खतरे से बाहर है। घायल गोलू के चाचा गणेश की माने तो उनका भतीजा और उसकी माँ चैली टॉल में चाय की दुकान चलाते हैं। शाम में जब उसकी माँ घर के लिए निकली, उसके बाद गोलू दुकान पर बैठ गया, लेकिन कुछ देर बाद ही अपराधी आए और चाय मांगी। जैसे वह चाय देने के लिए पीछे मुड़ा, तभी बदमाशों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी पिस्टल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इलाके में लगे CCTV कैमरे को खंगालने में जुटी है। पुलिस की माने तो गोलू चोरी और दूसरे आपराधिक मामले में 3 बार जेल जा चुका है। पुलिस को शक है कि उसके ही साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस घायल गोलू का बयान दर्ज कराने में जुटी है। बयान के बाद ही घटना के सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी है। चोरी के केस में गया था, चोरी घर में चोरी करना में आया है। इसी में किसी के द्वारा जो है एक गोली फायर किया गया था, जिसको गोली लगी है। घटना से बाहर है, आगे पुलिस जांच कर रही है। किसी द्वारा कहाँ की घटना है? किसी चैली टाल तीन घड़ी का घटना है। चाय का दुकान इसका अपना है, उसी में उसकी माँ बैठती है। उसी जगह पर ये माँ नहीं थी, कुछ देर के लिए बैठा हुआ था दुकान पर। उसी क्रम में इस आयोजन के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।